कभी गौर किया है, जब सूखे कुल्हड़ में गर्म गर्म चाय डाली जाती है, उतनी ही गर्म जितना कि मेरा मिजाज, उतनी ही गर्म जितना कि मेरा मिजाज, देखना बुलबुले उठते हैं छोटे छोटे, उतने ही छोटे जितनी कि तुम्हारी मुस्कान। तो मैं स्टार्ट करूंगा, एक उदासी के पसमंजर में लिखी हुई कहानी है कि वो अजीब सा लड़का, वो अजीब सा लड़का किसी से कुछ कह पाता नहीं है, किसी से खफा है शायद। वो अजीब सा लड़का किसी से कुछ कह पाता नहीं है, किसी से खफा है शायद, पर बतलाता नहीं है। कुछ चाहता है शायद इस दुनिया से, खामोशियों में लिपटी अपनी बात बोल पाता नहीं। कोई समझे ही ना जज्बात, बस यही सोचकर ओढ़ लेता है एक खामोशी की चादर, अपनी तमन्नाओं का गला घोटना शायद आता है उसे, अपनी तमन्नाओं का गला घोटना शायद आता है उसे, छुपा लेता है अपने आप को खुद के ही बनाए अंधेरों में। इतनी नाराज़गी क्यों है उसको, इतनी नाराज़गी क्यों है उसको, कोई समझ पाता नहीं है। अब वो रहने लगा है अपनी ही बनाई दुनिया में, बाहर आना चाहता ही नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मुझे चाय ऑफ़र की किसी ने, जिसने भी की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे चाय ऑफ़र की। तो अगली कहानी मेरी चाय के लिए है कि उसका शीर्षक है हम तुम चाय के कुल्हड़ से। जिन्होंने चाय के कुल्हड़ यानी कि मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी होगी, उनको उन्होंने देखा होगा कि कभी गौर किया है, जब सूखे कुल्हड़ में गर्म गर्म चाय डाली जाती है, कभी गौर किया है, जब सूखे कुल्हड़ में गर्म गर्म चाय डाली जाती है, उतनी ही गर्म जितना कि मेरा मिजाज, उतनी ही गर्म जितना कि मेरा मिजाज, देखना बुलबुले उठते हैं छोटे छोटे, उतने ही छोटे जितनी कि तुम्हारी मुस्कान। बेफिक्री में चाय पीते हुए उतनी ही बेफिक्र जितनी कि तुम्हारी हंसी, बेफिक्री में चाय पीते हुए उतनी ही बेफिक्र जितनी कि हमारी हंसी, एक सौंधी सी महक आती है, उतनी ही सौंधी जितनी कि तुम्हारी नज़र। बातों बातों में मुंह जला है कभी, बातों बातों में मुंह जला है कभी, जब चाय ज़्यादा गटक ली हो, उतनी ही ज़्यादा जितनी कि मेरी नादानियाँ, और फिर दिल ने कहा हो चुस्की दर चुस्की महसूस करने को, हौले से उतना ही हौले जितना कि तुम्हारा धैर्य। कभी देखना, कभी देखना कुल्हड़ पर गीले होठों के निशान पड़ जाते हैं, कभी देखना कुल्हड़ पर गीले होठों के निशान पड़ जाते हैं, ठीक जैसे खैर जाने दो तुम्हें पता है कहाँ। थैंक यू। चुस्की दर चुस्की, चुस्की दर चुस्की चुक चुकी चाय की कुल्हड़ के भीतर देखा है, खत्म हो चुकी चाय फिर भी थोड़ी रह जाती है, कुछ उतनी ही तुम्हारे इंतजार की तरह। अब वो अंदर ही अंदर रंग चुकी होती है उस चाय से, जिसे उसने जज्ब करना तभी शुरू किया था जब वो खोलता गर्म था। यही तो खासियत है कि अंदर से खोल कर भी कुल्हड़ बाहर अपनी आँच नहीं आने देता, पता है ना, उस चाय का स्वाद खत्म भी हो जाए उसका रंग नहीं जाता। जन्म जन्मांतर तक कितना अच्छा है ना मेरा तुम्हारा चाय का कुल्हड़ हो जाना। अब कुछ अपने दोस्तों के लिए है कि जब लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा जॉब से या फिर किसी के चले जाने से, तो मैं बेसिकली कानपुर से हूँ, तो कुछ कुछ आपको कानपुर का टोन मिलेगा और आप एंजॉय करेंगे कि देखो वे लौंडो, ऐसा है कि ज़िंदगी में जब इतना टूट जाओ और लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और साला कुछ नहीं बचा जीने को, और सुसाइड करने का ख्याल आए और सोचने लगो कि अब मर ही जाते हैं या पागल होने के कगार पर पहुंच जाओ, मतलब एकदम वॉर्स केस हो जाए, चाहे वो किसी ऐसे के चले जाने की वजह से हो जिसे तुम अपना सब कुछ मानते थे, या फिर साला EMI भरने के लिए, नौकरी भरने की वजह, या फिर पढ़ाई, चाहे कुछ भी रीज़न हो, तो एक काम करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना। पर जाओगे कहाँ? तो अगर नौकरी करते हो तो नौकरी छोड़नी है,
पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई छोड़नी है, क्योंकि वो जो दिल्ली में कहते हैं ना बी और एस से, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जिंदगी उतनी खूबसूरत है, पर ये सब बातें तुम तभी जान पाओगे जब ये सारा बुरा फेज बिताकर जिंदा बच पाओगे। ये जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, पर सोचना मत, कर देना, क्योंकि मर जाना सबसे आसान होता है। देखो, पढ़ाई या नौकरी छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे? तो बस 2-3 महीने के लिए घर चले जाओ, और सबसे पहले, और एक बात बताएं, जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, पर अगर तुम्हारे पास 2-4 ढंग के दोस्त हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर नहीं है तो साला तुम आज तक जी ही नहीं रहे थे। तो फ़ोन करो उन्हें या उनके पास जाओ और रो लो, जितना मन भर के रोना है रो लो, जितना मन करे खुल के रो लो। ऐसा नहीं कि एक बार रोने से तुम्हारे सारे आंसू निकल जाएंगे या सारा दर्द निकल जाएगा, रोने का ये सिलसिला चलता रहेगा अभी कुछ दिनों तक, पर तब तक यकीन करो मेरे दोस्त, बहुत कुछ हल्का हो जाएगा एक बार किसी के खुलकर रो लेने से। बहुत कुछ बुरा होने के बाद, इससे पहले कि तुम खुद को शराब और सिगरेट में झोंक दो, उससे पहले ही मेडिटेशन की तरफ मुड़ जाना। और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो तुमको फिर से सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे, तो फिर उनको करो, और फिर निकलोगे तो तुम्हारी जेब में पैसे तो होंगे नहीं, तो रुपए पैसे ना हो तो उनसे उधार ले लो और निकल पड़ो किसी शहर में, किसी भी शहर में, यूं ही भटकने को। किसी दिन पूरी दोपहर किसी चौराहे पर पेड़ के नीचे बैठकर यूं ही लोगों को आते जाते देखते बिता दो। हाँ, पता है, यही कहोगे कि अकेलेपन में बुरी चीज़ें और भी याद आती हैं, पर नहीं बे, जब तक तुम किसी दोपहर को ऐसे बिताओगे तो देखोगे और खुद ही समझ पाओगे कि साला सच में दुनिया क्या है और क्या तमाशा चल रहा है यहाँ। और यकीन मानो, वो चीज़ बिना तुम्हारे खुद के अनुभव किए तुम्हें नहीं समझ में आएगी। और अच्छा, एक काम और करना है कि मरना नहीं है, क्योंकि अगर मर गए तो ये देखकर अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। जो जाना चाहता उसे जाने दो, जो गया उसे भूल जाओ, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है अपने हिसाब से। तो इस बात का रंडी रोना मत रोना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, वैसा क्यों किया गया। तुम्हारे साथ ना कोई अच्छा कर सकता है और ना कोई बुरा, जब तक तुम चाहो। बाकी जीने दो सबको खुशी से, फिर धीरे धीरे देखोगे कि कैसे साला ज़िंदगी मज़े से पटरी पर चढ़ने लगती है और फिर फुल रफ्तार में भागना शुरू करती है। तो बस जिंदा रहना, और कभी ज़रूरत हो तो बताना। लव गुरु केवल FM रेडियो सिटी पर नहीं मिला करते हैं। थैंक यू।